फरीदाबाद के मॉडर्न स्कूल सेक्टर 17 कक्षा 5 की छात्रा सौम्या भारद्वाज, जिसने की हंगरी के बुडापेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वाको वर्ल्ड यूथ किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है, और उसकी इस खुशी की उपलब्धि पर शनिवार को स्कूल मॉडर्न स्कूल सेक्टर 17 में जोरदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जो है बच्ची के अभिभावक भी मौजूद रहे और बच्चों ने जो है खड़े होकर जो है तालियां बजाई, और स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं नीलिमा जैन, उन्होंने भी बच्ची की खूब तारीफ करी। और इस मौके पर खास तौर पर आप देख सकते हैं बच्चे खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं और मौके पर आप देख सकते हैं कि जो चेयरमैन हैं स्कूल के एसके जैन, वह भी मौजूद हैं, और अभिभावकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। मौके पर आप देख सकते हैं अभिभावकों को सम्मानित किया जा रहा है, और बच्ची को जो है 11,000 का जो है चेक देकर के उसका हौसला अफजाई किया गया। मौके पर हम आपको सारी विजुअल दिखा रहे हैं, और स्कूल का अध्याय भी यही है कि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आगे किया जाए। आप देख सकते हैं डायरेक्टर एसके जैन जो है बच्ची को चेक जो है वितरण कर रहे हैं, और इस दौरान मौके पर अभिभावक भी मौजूद हैं। नीलिमा जैन ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि उनका जो लक्ष्य है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आगे किया जाए, और मौके पर आप देख सकते हैं बच्ची को ऑनर किया जा रहा है, पटका पहनाया जा रहा है और ताज भी पहनाया है, क्योंकि बच्ची ने काम भी ऐसा ही किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बच्चों को भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाएं एजुकेशन के साथ साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स भी बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है, उनके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, बने रहिए, वीडियो देखिए, आइए पूरी वीडियो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि आजकल जो स्पोर्ट्स है बच्चों को सब चीज़ों से दूर रखते हैं, तो वी आर ट्राइंग टू प्रमोट, और इसमें पेरेंट्स का बड़ा हाथ है कि भाई पेरेंट्स अपने बच्चों को, बेसिकली लड़की को, इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और उनको आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपको मालूम है कि लड़कियाँ अगर आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। तो मैंने तो, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे ने ये मेडल लिया। इसका श्रेय मैं उसके मम्मी पापा को देती हूँ, क्योंकि वो दिन रात इसके साथ लगे हुए थे। स्कूल का मैम लक्ष्य, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या लक्ष्य है स्कूल का? नहीं, ये स्कूल का लक्ष्य ये है कि बच्चों को, बच्चों में जो भी प्रतिभा है उसको निखारा जाए। एक खाली एकेडमिक से तो बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं, हर बच्चे में कोई ना कोई गुण होता है, उसके उसको उसको प्रमोट करना चाहिए हमें। बेटा, आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पहले आपने ये जो मेडल जीता है क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी पूरा इंडिया ऐसे ही बढ़ता रहे।